एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएमए के बच्चों के लिए। जैसा कि सीएमए राकेश सिंह सर ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है एमटीपी रिलीज होने के बाद, इसमें उन्होंने लिखा है, शॉर्ट एंड सिंपल समझा दो तो इस पूरे ट्वीट में लिखा हुआ है कि सर ने बोल रहे हैं कि जो एमटीपी आया है उसके फर्दर में कुछ अलग गाइडेंस फिर से इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। ये जो एमटीपी है इसको आप सीरियस लोगे, पर हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका कोई अलग टाइप का गाइडेंस फिर से इशू किया जाएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है सबसे पहले ये चैनल आपको अपडेट देगा। तो चैनल पे हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। यहाँ पर एक बच्चे ने उस पर रिप्लाई क्या किया, तो 3 आवर्स का एग्ज़ाम 2 बार कैसे सॉल्व करते हैं हम, वी नीड 6 आवर इफ़ इंस्टीट्यूट वांट्स अस फर्स्टली टू डू रफ वर्किंग एंड देन डू इट अगेन ऑन डेस्कटॉप। क्योंकि बच्चों को पहले रफ वर्क अपने एक पेज पे करना होगा, फिर जा करके वो ना अपने डेस्कटॉप या पर फोन जिस पर भी वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पर कर पाएंगे। तो ये सही बात है, 3 घंटे का एग्ज़ाम बच्चे 6 घंटे में, 6 घंटे का एग्ज़ाम बच्चे 3 घंटे में कैसे दे पाएंगे। होप सो कोई ना कोई इसका सिचुएशन का आंसर आएगा। जैसे ही आएगा ये चैनल आपको पहले बोलता है और फिर बोलता रहेगा कि सबसे पहले अपडेट कर देगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।